first web that I'm doing, so I'm very excited. And I'm more excited because of the concept of the web, which is all about love and peace eventually. Obviously, Zindabad ki jab se promos bahar aaye hai, there has been a lot of controversy where people have been giving a mixed response, at least to me, because I am playing an ISI agent from the other side of the border. So I have some people, when they see my last promo song, they have their own views about me supporting other countries' situation. But then overall, I'm very happy. People who have seen it as an individual, as an actor, as a character, as a web, they've all been loving it, and I think that's the best thing about it. See, because जैसे मैंने पहले कहा था कि you know, जब आप इंडिया पाकिस्तान ये दो वर्ड को यूज़ करते हो तो हर किसी का एक डिफरेंट इमोशन और परसेप्शन आता है. जनरली जब आप कोई भी चीज़ों की बात करते हो तो देर इज़ ऑलवेज यू नो समवेयर एक कॉमन विचार होता है उसको लेके, या कॉमन परसेप्शन होता है. बट देन जब ये दो चीज़ की बात आती है, चीज़ें हमेशा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है. और फॉर ऑब्वियस रीजंस, विच इज़ फॉर पर्सनली फॉर मी, आई डोंट फाइंड दैट अ वैलिड रीज़न, बिकॉज आई थिंक हम एक ही चीज़ अपने लाइफ में सीखते, वो ही चीज़ों को जनरलाइज नहीं करना और एक के साथ सबको नहीं काउंट करना. सो ऑब्वियसली जब मुझे वेब भी मिला था एंड दे वॉन्टेड मी टू प्ले एन ISI एजेंट एंड प्ले बेनज़ीर, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट एट द सेम टाइम I had that thing in my mind कि हो सकता है कि लोगों का जो perception होगा और जो reaction होगा वो mixed होगा, and I should be ready for it. And I was very well prepared, और मैंने कहा भी था कि the day I'm going to post the promo, I am going to get a little cold vibes also from people. But then I'm sure कि यही लोग जब web देखेंगे, they will understand that what this web is promoting. This web is promoting peace and only peace. It is not a Hindu Muslim web. It is not polarizing anything. It's not putting any country down or any country up. ना हम इंडिया को बहुत ऊपर कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान को बहुत नीचा कर रहे हैं, बट हम दिखा रहे हैं कि जो एक सिचुएशन चल रही है दुनिया में, वो इंडिया किस नज़रिए से देखती है, वो एक पाकिस्तानी किस नज़रिए से देखता है, और ऑफ कोर्स जो इंडियन मुस्लिम कपल है वो उन्हें किस नज़र से देखते हैं, जो होता है. बिकॉज जनरली पीपल फील कि अच्छा आप यहाँ से आप चले जाओ, यू नो बहुत स्टूपिड स्टूपिड चीज़ें आती हैं जो मुझे बोलना नहीं है इधर. बट देन आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ वियर्ड कमेंट्स, नॉट फ्रॉम नाउ बट फ्रॉम बिफोर, यू नो, विच इज़ वेरी वियर्ड. एंड बट देन या इट्स देयर, इट्स सम पीपल आर लाइक दैट. जैसे ये लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, वैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट है जो दोनों कंट्रीज़ में दंगे फसाद क्रिएट करते हैं और हेटरेड दिखाते हैं. बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड द ओनली थिंग दैट दे हैव for all of us is love, and they have been very nice to us, and they've always kept saying, oh, we love India, we want to come to India, but unfortunately situations ki wajah se hum India aa nahi sakte. So you know, that makes you realize ki ye jo hum dekhte hain aur bina sar pair ke hum kisi se nafrat mod lete hain, that's so stupid. So I think there are a lot of things when you read, when you understand, aapka nazariya uske liye badalta hai. Jo mera any which ways tha, but Zindabad ke through mujhe ek mauka mila ki main use ek on screen portray bhi kar paun. जिस तरीके से वेब्स बन रहे हैं, देर आर सो मेनी वेब्स दैट्स हैपनिंग, एंड मुझे भी बहुत सारे वेब्स के ऑफर आए हैं और आते रहते हैं. आई थिंक हर एक्टर के लिए एक कॉल कुछ ना कुछ रहता है, ये वेद सी अ कैरेक्टर. बट देन व्हेन आई गॉट अ कॉल फॉर जिंदाबाद, आई थिंक दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू हैव अ डेब्यू एंड आई वॉन्ट टू मेक अ डेब्यू विद वेब, एंड इट दैट देर कुड बी नो बेटर यू नो सब्जेक्ट देन जिंदाबाद. बिकॉज मुझे डेफिनेटली इंटेंस कैरेक्टर करना पसंद है, मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करना पसंद है, जो मुझे वजह तो वो भी मौका मिला था करने के लिए, वेयर आई डिड सो मैनी थिंग्स इन द फिल्म, यू नो टू. सो आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, एंड योर इट इज़ एग्जैक्टली. एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीज़न कि ये वेब बना है. और अब तो लोग छोटे छोटे प्रोमो देख रहे हैं, जब उसे वो ओवरऑल टुगेदर देखेंगे तो वो समझेंगे कि बेनज़ीर कर क्या रही है और एक रॉ एजेंट कर क्या रहा है. इवेंचुअली इस वेब का एक ही मुद्दा है, वो दिखाना कि पीपल इन इंडिया एंड पीपल इन पाकिस्तान, दे बोथ वॉन्ट पीस. यू नो किसे पसंद है टेररिज्म होना? एक नॉर्मल इंसान अपना ऑफिस जाना चाहता है, घर अपनी फैमिली के साथ वापस आना चाहता है और अपनी लाइफ अच्छे से बिताना चाहता है. उन्हें ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े, इनसे कोई लेना देना नहीं है. जैसे इतने सारे लोग जो इंडिया में, उनको भी कोई लेना देना नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम यहाँ पर रह रहा है तो उन्होंने यहाँ से भगाना है, हम उसे पसंद नहीं करते. ना यहाँ के ऐसे लोग ऐसे सोचते हैं, ना वहाँ के कुछ लोग ऐसे सोचते हैं. बट डेफिनेटली कुछ
कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं दोनों कंट्रीज़ में जो ये शुरू करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली फॉर देयर ओन बेनिफिट्स एंड गॉड ओनली नोज़ व्हाट बेनिफिट्स दे गेट बट देन दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इन वेब दैट यू नो नुकसान और ये सारी चीज़ें दोनों जगह हो रही है बोथ वॉन्ट पीस बट देन लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट सो दैट्स व्हाट इवेंचुअली पीपल विल सी व्हेन द वेब एंड्स देव हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ जिंदाबाद हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब बिकॉज उन्होंने आई थिंक विक्रम सर के साथ ऑलमोस्ट 9 से 10 वेब कर चुके हैं सो एक वाइब है बट ऑब्वियसली एंड आई थिंक इज अदर वेब्स आर ऑल्सो वेरी नाइस एंड वेरी सीरियस ओरिएंटेड वेब्स यू नो जहाँ पे काफ़ी सीरियसनेस रही है बट आई थिंक जिंदाबाद इज़ अ डिफरेंट स्टेप ऑल्सो फॉर हिम एंड इट्स फॉर ऑल ऑफ अस यू नो एंड वी आर ऑल वेरी कनेक्टेड एंड वेरी इमोशनली कनेक्टेड टू जिंदाबाद एंड वी होप के जैसे बनाया गया विक्रम सर ने जैसा लिखा है एंड कहीं ना कहीं हम होप करते हैं कि ये वही मैसेज दे जो हम सोचे हैं कि देना चाहे ना कि कुछ और चीज़ क्रिएट करें एंड आई एम श्योर इट्स वेरी ब्यूटिफुली रिटन पीपल विल अंडरस्टैंड वॉट वी आर ट्राइंग टू सी इन दिस वेब ऑडियंस के लिए भी यही कहना चाहूँगी कि पीपल हु लव वेब एंड बिकॉज ऑफ ऑडियंस इज लव टूडे वेब इज बिकम दिस बिग सो प्लीज़ सी जिंदाबाद द वे वी ऑल वॉन्ट यू टू वॉच इट एज एन ऑडियंस विदाउट बींग बायस टू एनी कंट्री.